नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की तीन बड़ी खबरों को लेकर के आज फिर से हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को तोड़ने में जुटी है। सम्राट अशोक की जयंती के बहाने कुशवाहा वोटों की साधने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली है, अब 22 तारीख तक इंतजार करना होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि तेजस्वी यादव विधान परिषद चुनाव के रिजल्ट से काफ़ी खुश हैं, ऐलान कर दिया है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष अपने घर को भी बचाने में विफल रहे हैं। जेडीयू ने उनके घर में ही सेंध लगा दी है और बेटे को अपने पाले में मिलाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन खबर की शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी से करेंगे। दरअसल बिहार बीजेपी की तरफ से सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। जयंती को लेकर के बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुआ। पटना के बापू सभागार में हजारों लोगों को बुलाया गया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश से योगी सरकार में डिप्टी CM को बुलाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। दरअसल इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि बिहार में जो बड़ी संख्या में कुशवाहा वोटर हैं, वो वोटर कहीं ना कहीं अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानते आ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा इसी वोट के बूते राजनीति करते आए। बीजेपी अब इस रणनीति पर काम कर रही है कि किसी तरीके से जो बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा वोटरों की अच्छी तादाद है, उसी वोटर पर बीजेपी नेतृत्व नज़र गड़ाए हुए है। इसके लिए नीतीश कैबिनेट में मंत्री सम्राट चौधरी को आगे कर दिया गया है। सम्राट चौधरी के बहाने बीजेपी नेतृत्व कुशवाहा वोटरों को अपने पाले में करने की जुगत में जुटी हुई है। तो इसी कड़ी में सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। बापू सभागार में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य तो आए ही, बिहार बीजेपी के प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मैसेज साफ दिया गया कि सम्राट अशोक का सम्मान करना बीजेपी ही जानती है, बीजेपी ही बिहार देश के महापुरुषों का सम्मान करती है। जहाँ तक सम्राट अशोक की बात है तो बिहार में ही सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। जहाँ तक सम्राट अशोक की जयंती के दिन छुट्टी की घोषणा, वो भी बिहार की सरकार यानी कि हमारी सरकार ने किया, NDA की सरकार ने किया। सम्राट अशोक के नाम पर डाक टिकट जो जारी किया गया, केंद्र की मोदी सरकार ने किया। तो इस तरीके से सम्राट अशोक को सम्मान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार ने दिया है। इस बहाने बीजेपी के नेता यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों को साथ लेकर चलती है, सबों को सम्मान करना जानती है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक कुशवाहा जाति से थे, कुशवाहा जाति के लोग इन्हें अपना नेता मानते हैं। तो इस महापुरुष की जयंती के बहाने उपेंद्र कुशवाहा का जो दबिश है, जो दबदबा है कुशवाहा समाज पर, उस दबदबा को तोड़ने की रणनीति बीजेपी ने बना ली है। और सम्राट चौधरी जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनको आगे कर दिया है। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि अगली बार जब कार्यक्रम मनाएं तो सम्राट चौधरी बड़ा आयोजन करें, पटना के गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए और उस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी पूरे बिहार भर से 1,00,000 लोगों को यहां पर बुलाएं और तब जा करके भव्य कार्यक्रम होगा। यानी कि बीजेपी की जो छिपी हुई रणनीति है, उस रणनीति को पूरी तरीके से आज सामने लाया गया और कहा गया कि अगली दफे बापू सभागार में नहीं बल्कि गांधी मैदान में जुटान होगा, उसी गांधी मैदान में आयोजन होगा और सम्राट अशोक की जयंती में पूरे बिहार भर के लोगों को बुलाया जाएगा। 1,00,000 लोगों को उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें यहां तक लाया जाएगा। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी ने मैसेज दे दिया है कि अब कुशवाहा वोटरों को हम अपने पाले में करेंगे। आज जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा
कि मौर्य वंश के लोग पूरे भारत में बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। सम्राट अशोक का संदेश था कि हम शांति के पक्षधर हैं लेकिन क्रांति करने की भी ताकत रखते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि हम शांति के पुजारी जरूर हैं लेकिन हमें कमजोर समझने की कोशिश न किया जाए, हम में वो ताकत है, हम क्रांति कर सकते हैं। उसी संदेश के बूते हम लोग जो मौर्य वंशी हैं वो चल रहे हैं और आज भी पूरे देश में जो मौर्य वंशी हैं वो बीजेपी के साथ हैं। इस तरीके से मोदी ने आज जो महत्वपूर्ण बात कही कि जहां पर राम हैं वहीं पर लवकुश हैं, अगले साल 1,00,000 लोगों का जुटान होगा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है आज के इस कार्यक्रम में। वहीं संजय जायसवाल लगातार उपेंद्र कुशवाहा को आज तो इस कार्यक्रम के बहाने कुशवाहा समाज के वोटरों को गोलबंदी की कोशिश तो की गई ही। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बीजेपी के नेता काफ़ी तल्ख रहते हैं। पहले भी कई दफ़े वो स्थिति आई कि जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बीजेपी के नेताओं ने उनकी तल्खी दिखी। आज एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा को निशाने पर लिया है और कहा है, यह चर्चा चल रही थी कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बदलने वाली है, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 2025 तक रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बिहार में NDA ने नीतीश कुमार को नेता चुना है और बिहार के वोटरों ने नीतीश कुमार के नाम पर NDA को जिताया है, तो ऐसी स्थिति में 2025 से पहले नीतीश कुमार ही के हटने का कहीं कोई सवाल नहीं है। NDA की सरकार रहेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। इस पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को दूसरों की भविष्यवाणी करने से पहले अपनी गारंटी देनी चाहिए, उन्हें वादा करना चाहिए कि वो 2025 के बाद भी JDU और NDA के साथ जुड़े रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा खुद की गारंटी है नहीं और वो 2025 के बाद कहां जाएंगे और वो नीतीश कुमार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसके पहले भी संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा पर करारा प्रहार किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने भी संजय जायसवाल की खूब खरी खोटी सुनाई थी। तो इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को बीजेपी को जहां भी मौका मिलता है उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब जो है जिस वोट बैंक के बूते उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति करते हैं, उसी वोट बैंक को तोड़ने के लिए बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि पूरे 1 साल के दौरान कई कार्यक्रम होंगे और उस कार्यक्रम के बहाने कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व कुशवाहा समाज के वोटरों में अपनी पकड़ मजबूत करेगी और अगला जब जयंती का कार्यक्रम होगा तब गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम करके यह मैसेज देने की कोशिश होगी कि कुशवाहा समाज के वास्तविक जो रखवाला है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिनिधि है, जो वास्तविक दल है, वो बीजेपी है और बीजेपी ही कुशवाहा समाज को सम्मान दे सकती है। यानी कि आज के इस कार्यक्रम के बहाने कहीं ना कहीं बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा और JDU को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि वो उस वोट पर आपका अधिकार नहीं बल्कि बीजेपी का अधिकार होगा। दूसरी जो बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिली। अब 22 तारीख को यानी कि 22 अप्रैल को जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट में आज इसकी सुनवाई थी। इसमें CBI ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने आगामी 22 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। इसके पहले 1 अप्रैल को न्यायाधीश के अदालत में नहीं बैठने की वजह से लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। 11 मार्च को भी सुनवाई होनी थी लेकिन उस समय भी सुनवाई टाल दी गई थी। उस तारीख पर अदालत ने CBI कोर्ट से रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दिया था। CBI की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा, बताएं आपको कि चारा घोटाले के 5वें मामले में CBI की अदालत ने लालू प्रसाद यादव समेत अन्य अभियुक्तों को 5 साल की सजा व 60,00,000 रुपये का जुर्माना मुकर्रर किया था। उसी दिन यानी कि फरवरी महीने में ही लालू प्रसाद यादव को रिम्स यानी कि न्यायिक हिरासत में लेते हुए उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया था। और गंभीर चूंकि दावा किया जाता है, लालू प्रसाद के डॉक्टरों ने भी कहा है कि इन्हें 17 तरह की बीमारियां हैं, तो ऐसी स्थिति में
रिम्स प्रशासन ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया है। वर्तमान में लालू प्रसाद यादव एम्स में भर्ती हैं, वहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वे न्यायिक हिरासत में हैं। तो इसी को आधार बना करके लालू प्रसाद के वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और सुनवाई उस पर हो रही है। आज जब सुनवाई हुई तो सीबीआई के जो वकील थे उन्होंने अगली तारीख ले ली है और इस तारीख 22 तारीख को अब सुनवाई होगी। यानी कि अभी लालू परिवार को इंतज़ार करना होगा। 22 तारीख का दिन राजद के लिए, लालू परिवार के लिए अहम होगा कि उस दिन कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तीसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार विधान परिषद चुनाव का रिजल्ट जारी हो गया है, उसमें आरजेडी को 6 सीटें मिली हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार आरजेडी को जो बीजेपी का जो आधार वोट है, कहीं ना कहीं उस आधार वोट जुड़ते हुए दिखा है और आरजेडी के जो छह कैंडिडेट हैं उसमें से 3 कैंडिडेट फॉरवर्ड यानी कि भूमिहार जाति से जीते हैं। इस तरीके से जो सबसे खुशी की बात है तेजस्वी यादव के लिए, और कहा भी है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। आज उन्होंने जो जीते हुए सभी 6 सदस्य थे उनको अपने आवास पर बुलाया, राबड़ी देवी भी वहां मौजूद थी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी लगातार विकास बढ़ रही है, विधान परिषद में हमारी संख्या कम थी, अब 6 सदस्यों के जीत जाने की वजह से विधान परिषद में भी हमारी पार्टी की स्थिति मजबूत हो गई है, अब राबड़ी देवी विरोधी दल की नेता हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का यह लक्ष्य है कि हम सभी धर्म जाति को साथ लेकर के चलें। हम ऐसा नहीं चाहते हैं किसी जाति धर्म को हम छांट दें, उनको हम पूरी तरीके से राजनीति से अलग रखें, ऐसी हमारी मंशा नहीं है, बल्कि हम तो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जो बीजेपी के जो आधार वोट थे उन आधार वोट में सेंध लगाने की कोशिश की और सिर्फ भूमिहार जाति से 5 कैंडिडेट मैदान में उतारे थे, उनमें से 3 उम्मीदवारों की जीत भी हुई। तो इस तरीके से राजद नेतृत्व को लगता है कि अगली बार अगर यह प्रयोग वहां करेंगे तो इसके सार्थक नतीजे होंगे, क्योंकि इस बार जो प्रयोग किया गया कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिली और इसी सफलता से उत्साहित तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। हालांकि आरजेडी खेमे से जो दूसरी निगेटिव खबर वो यह है कि प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने घर को भी सुरक्षित नहीं रख सके। तेजस्वी यादव तो खुश हैं लेकिन उनके प्रदेश के अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के खासम खास जगदानंद सिंह के बेटे जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष के घर में ही सेंध लगा दी है। जगदानंद सिंह के बेटे इंजीनियर अजीत सिंह जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि बचपन से ही वे सीएम नीतीश कुमार को काम करते देख रहे हैं, उनके काम से वे प्रभावित हैं, इसी वजह से जेडीयू में शामिल होने का निर्णय लिया है। अगर वे जेडीयू में शामिल होते हैं तो वहां पर काम करने का, सीखने का बहुत मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बड़े समाजवादी नेता हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। 22 अप्रैल को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पार्टी की सदस्यता लेंगे। यानी कि 12 तारीख को जगदानंद सिंह के बेटे जेडीयू के हो जाएंगे। नीतीश कुमार को उन्होंने सबसे बड़ा समाजवादी नेता बनाया है, यानी कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे ने लालू प्रसाद यादव को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को सबसे बड़ा समाजवादी नेता बनाया है। जगदानंद सिंह के जो बड़े बेटे हैं वे राजद के विधायक हैं, खुद पिताजी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जबकि उनके दूसरे बेटे जो हैं वे अब नीतीश कुमार की पार्टी में राजनीति करेंगे। इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि जगदानंद सिंह जब अपने घर को ही नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर वे पार्टी को क्या बचाएंगे। हालांकि जगदानंद सिंह को लेकर के लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगातार उन पर हमला बोलते रहे हैं। अभी हाल ही में उन पर बड़ा कड़ा एतराज जताया था एक निर्णय को लेकर के। इसके पहले तेज प्रताप यादव कई दफे जगदानंद सिंह की खूब खरी खोटी सुना चुके हैं। तो इस तरीके से एक तरफ तेजस्वी यादव खुश हैं तो दूसरी तरफ जगदानंद सिंह के घर में ही फूट पड़ गई है और उनके बेटे अब नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।